मैं बहुत आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. मिक्स्ड इमोशंस, आई एम नॉट एबल टू गेज बिकॉज आई हैव डन द फिल्म एंड आई हैव रेड द स्क्रिप्ट सो मेनी टाइम्स. सो आई रियली कैन नॉट फॉर्म एन ओपिनियन राइट नाउ. आई जस्ट होप दैट लोग जाएं एंड एक अच्छा मैसेज लेके जाएं अपने साथ. किस तरह का एक्सपीरियंस था? बहुत ट्रॉमेटिक था, बहुत ट्रैजिक था. वेरी डिफिकल्ट एज एन एक्टर टू परफॉर्म एंड मोर डिफिकल्ट एज अ वुमन टू टेक. आई फाइनली रिकवर्ड फ्रॉम द जर्नी नाउ एंड आई एम इन अ वेरी गुड मूड एंड नाउ इट्स टाइम टू डू सम हैप्पी रोमांटिक क्यूट बबली कैरेक्टर्स. इस तरह के कैरेक्टर को करने से पहले जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी तो क्या सोचा था आपने, कुछ शेयर करें? आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब स्क्रिप्ट आई तो स्क्रिप्ट मोर स्क्रीन प्ले बेस्ड है क्योंकि इसमें ऐसे मल्टीपल प्लॉट लाइन्स, मल्टीपल स्टोरी लाइन्स नहीं है. एक ही स्टोरी है, कुछ ही घंटों में शुरू होती है एंड ख़त्म हो जाती है. सो इट्स मोर स्क्रीन प्ले बेस्ड. सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई कुड नॉट स्टॉप रीडिंग इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि आगे होता क्या है एंड दैट इज़ व्हेन यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी मेड वेल एंड द स्क्रीन प्ले इज सो नाइसली रिटन. बहुत ज़्यादा बिकॉज मैं सिंस आई एम अ वुमन यू नो आई फील द पेन ऑल द मोर एंड किसी के साथ भी ऐसा होना आई कैन नॉट इवन इमेजिन रियल लाइफ में क्या बीती होगी बिकॉज ये जो मैंने किया है ये रियल लाइफ है, दिस इज एक्टिंग. बट देन इवन देन आई फेल्ट सो मच पेन एवरी सिंगल डे ऑफ द शूट. आई वॉज फुल्ली एग्जॉस्टेड, मैं बोलते बोलते थक रही हूँ क्योंकि मुझे आई एम रिमेंबरिंग एवरीथिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग शूट एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट्स फाइनली रिलीजिंग एंड आई होप इट स्ट्राइक्स द राइट ऑडियंस. इस कैरेक्टर को निभाने के बाद में इससे बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है? बहुत, आई थिंक सम 5 to 6 months. आई मुझे छींक आ रही है, एक सेकेंड, नहीं आ रही है. आई थिंक टोटल 5 to 6 months लग गए थे. आई रियलाइज आई स्टॉप एन्जॉइंग थिंग्स दैट आई रेगुलरली एन्जॉय लाइक एक्सरसाइजिंग, डांसिंग, यू नो, ईटिंग फूड. एक स्मॉल स्मॉल चीज़ों में से मेरा इंटरेस्ट चला गया था बिकॉज दिस फिल्म वॉज एब्सोल्युटली ट्रैजिक एज अ वुमन टू एक्सपीरियंस, यू नो, एज एन एक्टर ऑल्सो. एज एन एक्टर तो काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था बट एज अ वुमन इट वॉज एब्सोल्युटली ट्रॉमेटिक. एंड नेशनल अवार्ड आपको मिल चुका है, इसके बारे में थोड़ा सा नेशनल अवार्ड आई वन फॉर माई वेरी फर्स्ट फिल्म, जो मेरी पहली फिल्म थी. हिंदी में शाला खड़ूस थी एंड तमिल में रिद्धि सुत्र थी. सो हम लोगों ने दोनों फिल्म्स को एक साथ में शूट किया था. सो वन सीन वॉज शॉट इन तमिल एंड वन सीन वॉज शॉट इन हिंदी एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ वेन आई स्पोक और हर्ड तमिल एंड फॉर दैट फिल्म आई वन द नेशनल अवार्ड. सो इट स्टिल फील्स अनरियल, इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट. और कुछ इस फिल्म के बारे में, कुछ ऐसा मतलब जैसे सेट पे बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई ऐसी जर्नी जो आप शेयर करें? सेट पे लकीली ऑल दी एक्टर्स वर वेरी सेंसिबल सो वी ऑल हैड अ गुड टाइम वर्किंग टुगेदर बट समटाइम्स फॉर मी दैट लाइन ऑफ रियलिटी एंड फिल्मिंग वॉज गेटिंग ब्लर्ड. आई एम ग्लैड दैट नाउ यू नो इट्स फाइनली कमिंग आउट एंड आई होप यू गाइज कैन गो एंड वॉच इट. अच्छा, दूसरी खड़ूस फिल्म में आप फाइटर थी तो उसके बारे में बताइए, आप थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए. आप बहुत, अब क्या बताऊँ, फाइटर का किरदार था उसमें तो. हाँ, उसमें काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग है. उसमें आई एम अ वेरी लाइक अ स्ट्रॉन्ग गर्ल फाइटर हूँ, बहुत राउडी फियर्स रफ काइंड ऑफ अ गर्ल. दिस इज लाइक अ नॉर्मल गर्ल, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, देर इज नो बैक स्टोरी, देर इज नो कैरेक्टरिस्टिक्स. वी जस्ट नो दैट शी इज़ अ नॉर्मल गर्ल हु गेट्स पिक्ड अप एट द बस स्टॉप जस्ट एज अ, जैसे टॉय की शॉपिंग करते हैं वैसे उसको उठा लेते हैं. सो दैट इज लिटरली ऑल अबाउट दिस फिल्म. आई डिड नॉट डू एनी अदर प्रेप बिसाइड्स जस्ट बीइंग इन द मोमेंट. इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत कम फिल्में बनती हैं. आप क्या कहना है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में फिल्में बननी चाहिए, समाज में आनी चाहिए? I think once in a while, if I know these are difficult films to watch, इस टाइप की फिल्में people cannot sit through, you know, especially women, it's quite triggering for us. But once in a while, if a film comes out with a strong message, I think it should be placed well and it should be done once in a while. इस फिल्म से women को क्या सीखना चाहिए और men को क्या सीखना चाहिए, दोनों को क्या सीखना चाहिए एक एक लाइन? If I tell you too much about it, आपको spoilers मिल जाएंगे, but
I really hope that we all as human beings learn the most important thing, which is respect. As long as we have that, be a man, be a woman, as long as we have that for one another, ye wale incidents shayad is duniya mein kam ho jaye. So that is all. Yes, I have a Tamil film up for release right now. It's called Kole, which means murder. And I'm playing a detective, a very cool cop in that film. And then there's this Inkaar on 3rd March. So please go and watch it. Largely Inkaar, public, Inkaar, mana kar dena, ye samajh rahe, lekin Inkaar, title kuch unique nahi. It's a nice wordplay because the film is in the car. Because the whole film, sirf aakhir ke ya pehle ke kuch minute hai jo film ke bahar hai. Car ke bahar hai. Otherwise, puri film car mein hai. And also, Inkaar means a very firm no. So I feel like it does a good job of mixing. जैसे car के अंदर shoot किया गया है, तो direction में बहुत problem आपको ही बहुत दिक्कत है. इसके बारे में director was obviously great, Harsh sir. I had a great time working with him. उनके बिना मैं ये film नहीं कर पाती. उनके बिना मैं ये film sign भी नहीं करती. Because जब मैं उनसे मिली थी, I thought, you know, he understands what it feels like to go through something like this, which is very rare to come across. So he's great, and I'm glad that I got a chance to work with him. कितनी उम्मीद है आपको इस film? उम्मीदें तो मैंने फिलहाल कुछ भी नहीं रखी है. I just hope that this film finds its audience. I just hope that this film reaches the right people and has the right impact. Audience से क्या appeal करना चाहेंगे इस film? I would just like to say, please आप लोग जाके देखिए. थोड़ी difficult, थोड़ी नहीं, बहुत difficult film है ये to sit through. A certificate भी मिला है, तो आपके age के मुताबिक, if you are 18 and plus, please go and watch it if you feel like you want to watch something that will have an impact on you. It'll make you think. It'll leave you with a very deep thought. Lastly, as a audience, आपको ये film कैसी लगी? ये समझ लिए कि आप है ही नहीं इसमें? ये तो बहुत tough question. मैं नहीं समझ, मैं actually opinion नहीं form कर पा रही हूँ. फिलहाल मैं सोच भी रही हूँ कि मुझे कैसी लगी. मेरा ओपिनियन ही नहीं फॉर्म हो पा रहा है. मेरा हमेशा ऐसा होता है, व्हेनेवर आई वॉच एनी ऑफ माय मूवीज, आई कैन नॉट गेज कि मुझे लगी कैसी है या फिल्म कैसी है. पोस्टर ही बहुत यूनिक, बहुत ड्रामा जैसे. हाँ, बहुत जैसे एज अ ऑडियंस आई डोंट नो. मतलब है तो हार्ड हिटिंग ऑफकोर्स. मोमेंट्स कुछ कुछ बहुत ज़्यादा छूते हैं हार्ट को. इवन एज मैंने तो फिल्म की है, मैंने तो एक्ट भी किया है, और मुझे भी टच किया. सो आई एम होपिंग द सेम हैपेंस ऑन द अदर साइड. थैंक यू. थैंक यू.